बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम दोस्तों, मैं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम अल्ताफ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गर्मियों के सीज़न में भी कारा कबूतरों का माशाल्लाह ज़बरदस्त कारा रहेगा। खालिद जट बा मुकाबल होंगे, मतलब आशिक मुहाजिर और मेरवानी, मतलब दोनों एक ही पार्टियाँ हैं। तो देखते हैं आज क्या बनता है, आज के कारे का जो कारा हो रहा है, मतलब दानिश स्कूल डेरा गाजी खान में, जो दानिश स्कूल उसी के ग्राउंड में। तो कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, तकरीबन टाइम मुकर्रर होगा 40 मिनट। आज का कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, तकरीबन कोई कबूतर होंगे मेरे अंदाज में 100-100 के करीब। 2 दिन का इनका कारा है आज, ये मतलब खालिद जट ले रहा है अपनी ही जगह पर दानिश स्कूल, कल वो देगा मुलाज माछी की जगह पर। तो वहाँ पर मैं आपको कारा दिखाऊँगा, आज आपने ये कारा लाजमी इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अब जल्द ही वापस आएंगे, समझ रहे होंगे आप। स्ट्रगल तो कर रहे हैं यार, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा आगे जो भी होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिस साइड से मैं खड़ा हुआ हूँ, ये हो गई आशिक मुहाजिर की, मतलब मेहरवानी भी हैं और आशिक मुहाजिर दोनों पार्टियाँ एक ही हैं। उन्हीं की पार्टियों के सामने जो खोखा रखा हुआ है वो है खालिद जट का। तो आज का कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, ये कारा है दानिश स्कूल के ग्राउंड में माशाल्लाह। देखते हैं तकरीबन कोई 20 कदम का ये कारा है। कल खालिद जट देगा इनको मुलाज माछी की जगह पर कारा, आज वो ले रहा है दानिश स्कूल के ग्राउंड में। तो कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, आप लाजमी इंजॉय करेंगे। मैं आपको आकर मैं रिज़ल्ट बता दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जिस साइड से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, ये आशिक मुहाजिर की पार्टी सामने वाला हो गया। खालिद में पीला दरी वाला खोखा रखा हुआ है, वो हो गया खालिद जट का। तो मिलते हैं आखिर में रिजल्ट के साथ। No, 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 no.
Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
चौंघाट मारिया चौंघाट मारिया उधारी करे से पायर पायर भाई तांदो चुलावा ओ डटा दे डटा दे Thank you.
Hello, Governor.
ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਛੇਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ और आपने कारा लाजमी इंजॉय किया होगा। अभी कारे का टाइम पूरा होने वाला है, तकरीबन कोई ये था 40 मिनट का ही कारा, क्योंकि गर्मी है यार। आप ये देखें कबूतर इतना उड़ भी नहीं रहे। कोशिश तो बड़ी की जा रही है कबूतरों को उड़ाने की, लेकिन भरपूर कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। तो कारे का एंड होने वाला, अभी देखते हैं कौन सी पार्टी कितना कबूतर जीतती है और कितना कबूतर पकड़ती है। कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहा आज का। मेरे अंदाजे के मुताबिक आज का जो कारा है वो खालिद जट ने ही जीता है। तकरीबन कोई पकड़ा पकड़ी तो बहुत ही ज़्यादा हुई है, बहुत ही ज़्यादा। दोनों पार्टी ने अच्छे तरीके से, मतलब तीन तीन चार चार कबूतर भी एक एक साथ पकड़े हुए हैं, दोनों के मतलब शो एक जैसे हैं। अभी देखते हैं क्या बनता है। ये देखिए फिर से कबूतर पकड़ लिया, ज़बरदस्त यार। तो यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट भी बता देता हूँ कि खालिद जट ने तकरीबन कोई 32 कबूतर पकड़े और 27 कबूतर गिराए थे, मतलब 5 कबूतर खालिद जट जीत चुका है काशिक महाजर और मेरवान की पार्टी से। तो आप अभी कारा एंजॉय करें। अभी मैंने आपको रिजल्ट भी पूरा मुकम्मल बता दिया, मतलब 5 कबूतर आज खालिद जट जीत चुका है। कल पता चलेगा कि क्या बनता है, खालिद जट का फैसला कल होगा इस कारे का। तो इसी वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कारे के साथ इंशाल्लाह। कल वाला कारा भी दिखाएंगे आपको लाजम। Thank you.